आपने कभी सोचा होगा कि सूरज के पास कोई अंतरिक्ष यान जा सकता है? हाँ दोस्तों, जल्द ही नासा सूरज के पास एक अंतरिक्ष यान भेजने वाला है। ऐसा क्या राज है जिसे जानने के लिए नासा का एक सूरज मिशन है? ये जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा सूरज जो एक आग का गोला है, सूर्य के वातावरण की जांच करने के लिए नासा एक बड़ी योजना बना रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले साल सूर्य पर अपना पहला रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने की प्लानिंग कर रहा है। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को 60 लाख किलोमीटर तक भेजा जाएगा। मानव चांद, मंगल और यहाँ तक कि सुदूर अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यान भेज चुका है। अब नासा की योजना सूर्य पर सोलर प्रोब प्लस मिशन भेजने की है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 14.90 करोड़ की किलोमीटर की दूरी पर है। गोडार स्पेस फ्लाइट सेंटर में नासा के अनुसंधान वैज्ञानिक एरिक क्रिश्चियन ने कहा, यह सूर्य के लिए भेजा जाने वाला हमारा पहला मिशन होगा। क्रिश्चियन ने कहा, हम सूर्य की सतह पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह मिशन उसके इतना करीब तक पहुंच ही जाएगा कि तीन आम सवालों के जवाब दे सके। यह मिशन संभवतः इस बात का जवाब दे पाएगा कि सूर्य की सतह उसके वातावरण जितने गर्म क्यों नहीं है। नासा के अनुसार सूर्य की सतह का तापमान महज 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके वातावरण का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। लाइफ साइंस के रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते हैं कि सौर हवाओं को उनकी गति कैसे मिलती है। इस मिशन से यह भी पता चल सकता है कि सूर्य कई बार इतनी अधिक ऊर्जा के कण क्यों उत्सर्जित करता है जो असुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों एवं अंतरिक्ष यानों के लिए खतरा पैदा करता है। इन बातों को जानना है नासा का मकसद। सूर्य की सतह उसके वातावरण जितनी गर्म क्यों नहीं है? सौर हवाओं को उनकी गति कैसे मिलती है? सूर्य कई बार इतनी अधिक ऊर्जा के कण क्यों उत्सर्जित करता है जो खतरा पैदा करते हैं? दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर और लाइक और कमेंट करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।